हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे डिस्क में क्या क्या होता है इसके अंदर, और इसको अगर ख़राब हो जाए तो हम कैसे सही कर सकते हैं, और कौन कौन से पॉइंट है कि अगर एक बार ये ख़राब हो जाए तो उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, और कुछ इसके पॉइंट ऐसे हैं कि आप इसको सही कर सकते हैं ख़राब को भी। इसको डिसमेंटल करके आपको बताता हूँ। पहले इसकी ये लॉक खोलना है, मोस्टली लॉक ऐसे ही होते हैं, और यहीं पे लॉक होगा इसका। उसके बाद ये इसकी रबड़ की वाशर है, ये निकालनी है और इसको पुश करेंगे, ये सारा बाहर आ जाएगा। ये इसकी सेरामिक पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है, और ये ब्रास का है। अगर आपकी डिस्क है जो पानी यहाँ से जा रहा है, मतलब कि आपके ये जो दो ओरिंग है आपकी, ये ख़राब होंगी, या तो ओरिंग कटे होंगे या चल चल के ओरिंग घिस गए होंगे, और इसको ठीक करने का या तो आप इस पर ग्रीस लगा दीजिए या ओरिंग चेंज कर दीजिए। कई बार क्या होता है, ये सेरेमिक पार्ट टूट जाता है, उस केस में आपको डिस्क चेंज करनी पड़ेगी। और ये ब्रास की है बॉडी इसकी, और कई बार क्या होता है इसका ये वाला ओरिंग भी कटा होता है। और आपको ओरिंग ना मिले तो यहाँ पे आप हल्की सी टेफलन टेप लगा सकते हैं। टेफलन टेप का यूज़ तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, हल्का सा ओरिंग के जैसे उसको थोड़ा टाइट करके उसको लपेट दीजिए, आपका काम चल जाएगा इससे भी। अब इसको असेंबल करके बताएंगे हम, जैसे खोला था इसको इसमें रखेंगे। इसमें एक छोटा सा पार्ट और भी है, वो वाशर रखी हुई है, ध्यान रखना कि वो वाशर उसी में रहे। नहीं तो लीकेज बन रही होगी। ये प्लस बना हुआ है, ये पार्ट आपका जाएगा, ये माइनस हुआ। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, और उसके बाद ध्यान रखना है जो इसका फ्लैट सरफेस है वही वाला इस साइड जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। और ये इसके पॉइंट बनाए हुए हैं उन्होंने ग्रूव के, और ये आपकी जो कट है ये इस ग्रूव में जाएंगे। ये आपका फिट हो गया, और उसके बाद आपको ये वाशर अपनी लगा देनी है, और इसका लॉक यहाँ पे लगेगा, ये आपका फिटिंग हो जाएगा।